नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस स्कोर पेपर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू पेपर देखने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है। तो चलिए इनमें से जितने भी आपका गेस पेपर में दिया उन सारे प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ। इसके साथ जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के विषय, उन सारे प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान की कार्य प्रणाली की विशेषता थी। सर्वधर्म स्वभाव ऑप्शन नंबर बी है, समझौता और समन्वय की भावना ऑप्शन नंबर सी है, सहिष्णुता की भावना ऑप्शन नंबर डी, तुष्टिकरण की भावना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक संविधान की जो कार्य प्रणाली होती है वह एक समझौते और समन्वय की भावना को विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपिता की निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर डी संघ व्यवस्था संबंध प्रावधान। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर स नंबर यानी कि सी नंबर होगा, या इसे संविधान कानून का कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को या उद्देश्य का, ये दोनों आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावनाओं की आधारशिला है। क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी है उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ये प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो अगर बात की जाए तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान में संशोधन करके के प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़ा गया है, जिनमें से आपका है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दो ही, तो अगर अखंडता भी रहे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जाएगा, जिसे 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान है लचीला अचल, लचीला और अचल सामंजस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है लचीला और अचल सामंजस्य, यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है लचीला, नहीं थोड़ा कठोर है और नहीं हार्ड है, एक लचीलापन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका जो 368 जो है, इसके अनुसार संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो आपके एग्जाम भी से इंपॉर्टेंट में उसी प्रश्न को करवाने वाले। हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। तो इसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर है युद्ध और शांति, रेल, डाक, शिक्षा। तो शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं। सूची टोटल जो है संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल जो भी आपके बारे में इसके बता देते हैं जो एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, जैसे देश की प्रतिरक्षा संघ सूची में शामिल है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, क्योंकि ये जितने भी विषय हैं केंद्र सरकार के कानून बनाती है इस सूची के अंतर्गत। राज्य सूची इसे कहते हैं जिस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब समवर्ती सूची किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत वे विषय शामिल होते जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इनमें जैसे विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, दीवानी फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए और कुछ देखते हैं कि हमारे संविधान ने समवर्ती सूची पर विचार किस संविधान से ग्रहण किया। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का एक लक्षण। तो भारतीय संविधान एक जो है विकसित, लिखित, व्यापक है, ऑप्शन नंबर बी है निर्मित, लिखित, व्यापक, ऑप्शन नंबर सी निर्मित, लिखित, संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर डी निर्मित, संक्षिप्त और लिखित। तो भारत का संविधान जो है विस्तृत भी है, लिखित भी है और व्यापक भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विस्तृत यानी विकसित, लिखित और व्यापक, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा
गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है, सभा करने की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य आपका जो टोटल है, मूल कर्तव्य टोटल है 11। यहाँ प्रश्न आपका, संविधान के किस संशोधन और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से है कि पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य जो आपका टोटल 11 है। और मौलिक कर्तव्य किस कौन से काल में जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न इसी से, संपत्ति का अधिकार निम्न से किस वर्ग में आता है, विविध का अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। तो यह जो होता है संपत्ति अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी से नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि मौलिक अधिकार कितना होता है, तो मौलिक अधिकार की जो टोटल संख्या 6 होती है, जिनमें से हम एक एक करके एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में से इम्पॉर्टेंट आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन। जैसे मान लीजिए, तो मौलिक अधिकार जो आपका टोटल 6 होता है, समानता का अधिकार, दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, पाँचवा में संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, छः नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है, तो संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन जो है निदेशक तत्वों में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान के किस भाग में निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो चौथा भाग में जो है निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को करवाने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण, जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, फौजदार विधि। तो यहाँ पे जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया, यानी कि समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती, से ही जनसंख्या नियंत्रण इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका अनुसरण करते भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी से। तो संविधान के कुछ स्रोत हैं जो विभिन्न देशों से उठाए गए हैं और जोड़े गए हैं भारत के संविधान में, तो चलिए देखते हैं थोड़ा आपको बता देते एक्सप्लेन करके। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से शब्द जोड़े गए आप भारत के संविधान, तो प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार आपका हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। नेक्स्ट दूसरा है, ब्रिटेन से जोड़े गए कुछ वर्ड है, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, ये सभी जो है ब्रिटेन देश से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, आयरलैंड से जोड़े गए जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड से जोड़ा गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये जो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जोड़ा गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार, और आपका जो अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र से पास, राज्यपाल की नियुक्ति जो भी है, एक कनाडा देश से जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है रूस के संविधान से उठाया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान देश से उठाया गया है। तो चलिए इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग। तो योजना आयोग से जो है वित्त आयोग प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में भारत को एक परिसंघ कहा जाता है, संघ राज्य कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा गया, उपयुक्त में से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ जो देख रहे 26, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है,
यहाँ पे राइट आंसर, भारत अगर संविधान के अनुसार देखा जाए तो एक देश नहीं है, भारत जो एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंदर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार जो निर्देश देती किस अनुच्छेद के तहत, किस कानून के तहत, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय लोकतंत्र का दुर्बलतम तत्व है, एक दलीय सरकार, मिलीजुली सरकार, राजनीतिक स्थिरता, तो आपका राइट आंसर हो राजनीतिक स्थिरता। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं होती है, ऑप्शन नंबर ये है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होता है सभी को लगभग पता होगा कि एक मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वेतन से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो चलिए जितने भी मुख्यमंत्री विधायक के सारे वेतन के बारे में डिस्कस कर, आपसे प्रश्न में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो भारत का जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वह 1.5 लाख रुपया होता है। और इसी से रिलेटेड प्रश्न, जैसे अभी नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगर मासिक वेतन की बात की जाए तो राज्यपाल का जो सैलरी है 3.5 लाख है, 3,50,000, और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो होता है 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000, और भारत के राष्ट्रपति का जो अभी वर्तमान वेतन है मासिक वेतन माना जाए तो 5 लाख है। तो ये सभी इससे प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, जैसे निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा या राज्यसभा को, तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। ये सभी जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, कौन लोकसभा का विघटन कर सकता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। तो लोकसभा का जो विघटन कर सकता है वह है राष्ट्रपति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बुला सकता है, कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ऑप्शन में उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में 12 सदस्यों के नाम निर्देशित किया जाता है, यानी कि 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, आपका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। टोटल जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या होती है वो टोटल जो होती है राज्यसभा सीटों की संख्या, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती, तो टोटल जो राज्यसभा सीटों की संख्या 245 होते, और इनमें से 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा को जो है उस सदन कहा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और कुछ राज्यसभा से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है राज्यसभा को 6 वर्षों का होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होता है प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये है जो राज्यसभा कि कुछ पॉइंट है। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इनमें है तो देख लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद 352 के अंदर घोषित आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी, 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 माह के अंदर राइट आंसर है। तो इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न कुछ बन रहा है तो हम आपको करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संविधान को कब लागू किया गया, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय में पूछा जा सकता है। तो संविधान को जो है आपका लागू किया गया, संविधान जब 26 जनवरी 1949 के द्वारा पारित किया गया और 26 नवंबर को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे भारत में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसके संचालन समिति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालचारी थे। और कुछ लोकसभा से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी मैं करवा देने वाला हूँ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है। लोकसभा का वर्णन जो अनुच्छेद 281 में किया गया है और इसे लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। ये सब आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।